नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो हम लोग मैप्स में अभी तक देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट बात की थी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, ठीक है। इनकी स्थिति भी जानेंगे और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग मैप्स में देख लेते हैं अफ्रीका है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जैसा कि ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। इसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये एशिया है पूरा, ये है प्यारा भारत, ठीक है। देखते ही देखते आपको कुछ बहुत कुछ याद हो जाएगा, जैसे भारत में नीचे श्रीलंका है, फिर पाकिस्तान है, यहाँ छोटी सी सीमा पीओके वाले हिस्से की अफगानिस्तान से लगती है, नेपाल से, भूटान, चीन है ऊपर, बांग्लादेश, म्यांमार, सबसे ज्यादा बांग्लादेश बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, और सबसे कम अफगानिस्तान से। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ट्यूनिशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, सेनेगल, गिनी बिसाउ, गिनी, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, बेनिन, टागोर, घना, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिटिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, ये मध्य अफ्रीकी राज्य, ये कैमरून है, कांगो है, कांगो, ये तंजानिया है, अंगोला है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, और ये दक्षिण अफ्रीका है, केप टाउन है, ठीक है। यहाँ यही डरबन है, जी मेडागास्कर यहाँ बगल में लगा हुआ है, ठीक, द्वीप है। तो चलिए, हम लोग इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की स्थिति देखते हैं, ये सभी कहाँ हैं। ये है पर्वत अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। सबसे ऊपर है एटलस, ये पूरी एटलस है। एटलस के बारे में आप लोगों को बता दें कि ये पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया के पास है, किलो, ठीक है। फिर है नीचे होगर पर्वत, ये नीचे होगर पर्वत। फिर है हमारा लोमा पर्वत, ये यहाँ लोमा पर्वत है। लोमा पर्वत के बारे में याद रखिए, यह पर्वत सेडी गिनी व सेरा लियोन में स्थित है, देश में गिनी व सेरा लियोन में स्थित है। फिर यही है लिम्मा, निम्मा श्रेणी, ये है आपकी निम्मा श्रेणी, दिख रहा है निम्मा श्रेणी। निम्मा श्रेणी के बारे में याद रखिए कि यह गिनी की पूर्वी सीमा पर आइवरी तट के पश्चिम स्थित आइवरी तट देश की सर्वोच्च चोटी है इसमें, ठीक। फिर है हमारा कैमरून, ये नीचे कैमरून दिया गया है, कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत के बारे में याद रखिए कि नाइजीरिया व कैमरून में विस्तृत है ये, और याद रखिए खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी समृद्ध है माउंट कैमरून, ठीक है। फिर है तिब्बती, तिब्बती है, तिब्बती के बारे में याद रखना है आपको, चाड एवं तथा नाइजर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है एमी कोसी, इसकी ऊंचाई है लगभग 3415 मीटर ऊंची है। फिर है ये मरा पर्वत है, मरा पर्वत सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक, सवाना प्रदेश में। फिर माउंट कैथरीन यह मिस्र के सीनाई सीनाई प्रदेश प्यारी में स्थित है, ठीक है, माउंट कैन। फिर बात करते हैं माउंट राव राव बेंजोरी, ये माउंट राव बेंजोरी है, यह पर्वत श्रेणी युगांडा बजारी के मध्य स्थित है, सीमा बनाती है इन दोनों देशों की। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट स्टेनली, इसे माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। फिर कटंगा पर्वत, यह है कटंगा पर्वत, दिख रहा है आपको कटंगा पर्वत। कटंगा पर्वत के बारे में याद रखिए कि यह सावा पर्वत भी कहते हैं इसे, यह कांगो या जायरे के दक्षिण भाग में स्थित 576 मीटर ऊंचा पर्वत है, ठीक। कांगो कसाई तथा उसकी सहायक नदियां निकलती हैं यहाँ से, यहाँ यूरेनियम, कोबाल्ट, टिन, लोहा तथा सोने के निक्षेप भी हैं, ठीक है, कांगो में, कटंगा पर्वत। फिर
मितुम्बा पर्वत श्रेणी, ये मितुम्बा पर्वत श्रेणी है। मितुम्बा पर्वत श्रेणी जायरी की पूर्वी सीमा पर स्थित एक पर्वत है जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी का पश्चिमी कगार है। फिर है मुचिंगा पर्वत, ये मुचिंगा पर्वत है। मुचिंगा पर्वत फिर है यही नीचे मटोपो पहाड़ी। मटोपो पहाड़ी यह पहाड़ी जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। फिर ये ऊपर अपनी एलगन है, एलगन पर्वत। एलगन पर्वत युगांडा केन्या सीमा पर विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, एलगन पर्वत। ठीक है। फिर है अम हर पर्वत, ये अम हर पर्वत है। इथोपिया में बेरेंस घाटी के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक पर्वत है। ठीक है, अम हर पर्वत। फिर है माउंट केन्या, माउंट केन्या यहीं पर, माउंट केन्या, ये माउंट केन्या के पास, याद रखिए, नेशनल माउंट केन्या नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। फिर एक किलीमंजारो, ये किलीमंजारो है। किलीमंजारो ये तंजानिया की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट केबू। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। आगे बात करते हैं केपेन गिरी पर्वत, एक केपेन गिरी पर्वत है। केपेन गिरी पर्वत है। फिर नीचे एक टेबल पर्वत है, टेबल पर्वत एक कैपटाउन नगर के पास है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, ये डिकेंस पर्वत है। डिकेंस पर्वत दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिण अफ्रीका तथा लोसोथो में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है थावाना नेट्स नेट्स लैन याना। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। फिर अंकाराता पर्वत, ये अंकाराता पर्वत है, याद रखना है अंकाराता पर्वत। ये मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी है 2444 मीटर ऊंची। ठीक है, मेडागास्कर में। तो ये थी हमारी प्रमुख दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अब इनके बारे में हम लोग कुछ कथन, मुख्य कथन है, तथ्य हैं, उन्हें देवी देख लेते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं ये हैं सभी। आम हर पर्वत तो इथियोपिया में बेरेंस घाटी के दक्षिण सिरे पर स्थित है। अंकाराता पर्वत ये मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी है 2644 मीटर। फिर है कटंगा पर्वत, इसे सावा पर्वत भी कहा जाता है। यह कांगो या जायरी के दक्षिणी भाग में स्थित 576 मीटर ऊंचा एक पर्वत है जहाँ से कांगो और कसाई तथा उनकी सहायक नदियां निकलती हैं। यहाँ यूरेनियम, कोबाल्ट, टिन, लोहा और सोने का निक्षेप मिलता है। फिर है माउंट किलीमंजारो, तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 5895 मीटर ऊंचा एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट कीवू 5895 मीटर, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। इसकी दूसरी सर्वोच्च शिखर है माउ वेंजी 5150 मीटर। फिर है डिकेंस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिण अफ्रीका तथा लोसोथो में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है थावाना लेट लैन याना 3482 मीटर ऊंचा। फिर है माउंट तिवेस्ती, चाड तथा नाइजर की सीमा पर स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र जिसकी सर्वोच्च चोटी है एमी कौंसी लगभग 3415 मीटर। फिर है निम्मा श्रेणी, गिनी की पूर्वी सीमा पर आइवरी तट के पश्चिम स्थित आइवरी तट देश की सर्वोच्च चोटी 1850 मीटर ऊंची। फिर है मितुम्बा पर्वत, जायरे की पूर्वी सीमा पर स्थित एक पर्वत जो दक्षिण जो अफ्रीका की ब्रंस घाटी का पश्चिमी कगार। आगे बात करते हैं मारा पर्वत,
सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित सवाना प्रदेश का पर्वत है। मंडारा पर्वत अफ्रीका में नाइजीरिया की पूर्वी सीमा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित पर्वत है। मुविंगा पर्वत जाम्बिया के पूर्वी भाग में एक ज्वालामुखी पर्वत जिसकी पूर्वी भ्रंश घाटी स्थित है। एल्गन पर्वत युगांडा कीनिया सीमा पर विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व स्थित 4321 मीटर ऊंची ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। फिर माटोपो पहाड़ियाँ, यह पहाड़ियाँ जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं। माउंट कैमरून नाइजीरिया व कैमरून में विस्तृत यह पर्वत खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। फिर माउंट कैथरीन, यह पर्वत मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में विस्तृत है। यही लोमा पर्वत, यह पर्वत श्रेणी गिनी व सेरा लियोन में विस्तृत है। फिर माउंट रूबेन जोरी पर्वत, यह पर्वत श्रेणी युगांडा व जायरे की मध्य सीमा बनाती है। इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट स्टेनली, इसे माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, ये थी हमारी अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है।